अज एक बड़ी ही मेजर प्रॉब्लम बारे थोड़े नाल गल करनी सी ते इस करके इंट्रोडक्शन नहीं दियांगा, बस वो प्रॉब्लम बारे गल करांगा जी। एसी दे विच जो इस टाइम सब तो ज्यादा दिक्कत आ रही है किसी भी एयर कंडीशन दे विच, वो कस्टमर नूं अमूमन आ रही है कि साडे एसी दे विच उहदी पानी आ रहा है या साडी कूलिंग घट गई है या साडी हवा पूरी बाहर नहीं आ रही। तो उहदे विच मैं इक्को ही चीज तुहानूं दसना चाहांगा, इह सारियां चीजां दा इक्को ही सोल्यूशन है। तुसीं जदों भी एसी लैके आने हो हफ्ते दे विच एक वारी अपने एसी दे फिल्टर कढ के तुसीं आप साफ करने हैं। इसे उपलक्ष्य च मैं वीडियो बनाने जा रहा ताकि तुहानूं एयर कंडीशन दीआं 90% प्रॉब्लम्स तुहाडीआं दूर हो सकन। और ये तुहानूं दसना चाहना कि ये किवें होणगे, क्योंकि कस्टमर कहिंदा जी सानूं पता नहीं या सानूं मकैनिक समझा के नहीं गया। तुहाडा एयर कंडीशन किसी भी कंपनी का भावें लग्या होवे उहदे दूजे पासे दोनों पासे तां उंगली दी जगह बनी हुंदी है जी, इत्थे उंगली ला के और इहनूं इदां आपां ढक्कन उपर चुक लैणा। और उस तों बाद इहदीआं जालीआं जिहनूं कि आपां नैट कह दिंदे आ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਏਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ, ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੌਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ